लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस थाउजेंड मई जून, 2017 वेरिएंट 33, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 11, सो so प्रोबली उस पेपर का सबसे आखिरी क्वेश्चन ये था इसने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर है यू और कॉम्प्लेक्स नंबर है वी और आग डायग्राम के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई द पॉइंट्स ए एंड बी यानी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को बना देना है इसका क्वेश्चन आज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सो दैट इज द फर्स्ट लॉजिक दैट इज नीडेड इसने कहा एक तीसरा पॉइंट है कौन सा पॉइंट देर इज अ थर्ड पॉइंट सी इट लाइज इन द फर्स्ट क्वार सच दट बी सी एस टू ए बी उसकी लेंथ डबल है ए बी की लेंथ से एट द सेम टाइम वो जो एंगल है वो नाइनटी डिग्रीज है हमें ढूंढना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जी रेप्रेजेंटेड बाई सी गिव यू आंसर इन दच एंड सच वे एक्स एन वाई आर रियल एन एग्जैक्ट यहां से मुझे दूसरी हैंड मिली एग्जैक्ट इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सर्ड फॉर्म में होगा अदरवाइज एग्जैक्ट तो नहीं लिखता और आंसर मुझे देना है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बेसिकली मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिस पे आंसर निकाल के फिर से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दूंगा बट बिफोर वी प्रोसीड विद क्वेश्चन इसकी बैकग्राउंड नॉलेज में आपको दे देता वो जो बैकग्राउंड नॉलेज हमें जिसकी जरूरत है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन अब अचानक रोटेशन कैसे आ गया ओ मैथ का बेसिक मैथ्स का तो उस रोटेशन को पहले जरा सा समझ लेते हैं मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए और इसका नाम मैं रखता हूँ नेगेटिव थ्री कॉमा फाइव मैंने इसको मार्क किया नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री दिस इज नेगेटिव थ्री एंड दिस इज़ वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ मैंने फाइव मार्क किया और यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया उसको मैं एक पर्पल डॉट से मार्क कर देता हूँ दिस इज़ पॉइंट ए तो ये मैंने ए को मार्क कर दिया विथ अ पर्पल डॉट अच्छा जी एक और पॉइंट ले लेते हैं दात द इमेज ऑफ ए अ 90 डिग्री रोटेशन तो मैं ए को 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन विच इज़ दी ओरिजिन और ये क्या बनेगा इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ भी अब डिपेंड करता है कि आपने ओ लेवल मैथ्स में इसको किस तरीके से पढ़ा है तो सबसे पहले तो मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर लूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको मैं ब्लू uh, इश कर देता हूँ दैट इज द फर्स्ट थिंग और यहाँ पे मैं ये वाले ए को ओरिजिन से जॉइन कर देता हूँ सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस ये आपका पॉइंट हो गया ओ ए तो ये आपका एक वेक्टर टाइप का बन रहा है और मैंने आपको यहाँ हिंट दे दी है वेक्टर की जब 90 डिग्री रोटेशन करते हैं तो ये चीज़ पड़ी है कि ए बी बिकम्स अब बी एंड ए कोऑर्डिनेट्स तो फ्लिप होते हैं लेकिन थोड़ा सा आप भी सोच लें कि अगर एक चीज़ फ्लिप होकर यहाँ आएगी सो नया एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा तो पहले तो मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फ्लिप होते हैं एंड व्हाट एल्स विल बी देर तो फ्लिप होने के बाद ये जो माइनस थ्री है ये प्लस थ्री होगा ठीक है मैं पहले इसको लिखता हूँ फिर आप सोचेगा सो दिस इज नेगेटिव थ्री कॉमा फाइव ये बनेगा फाइव एंड नेगेटिव थ्री लेकिन आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो हो जाएगा फाइव एंड थ्री इसका मतलब है न्यू वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन तो मैं यहां लिखता हूँ न्यू वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन अब जो समझते हैं कि ओ लेवल मैथ्स पढ़कर वहीं ख़त्म हो गया तो वो समझते नहीं हैं कि जो ए लेवल मैथ्स है वो बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है तो ये मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दिस इज हाउ इट गोज कि ये वाला जो पॉइंट था ये पर्पल में मैं मार्क कर रहा हूँ ये ए था और जो आपका ग्रीनिश पॉइंट है ये पॉइंट हो गया बी तो अब मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले फाइव कॉमा थ्री तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं फाइव कॉमा थ्री और इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर में सो दिस इज़ वॉट यू आर गेटिंग ये दो चीज़ें हो गई अब मैं बी को भी मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो है वन टू थ्री फोर फाइव मैंने यहाँ पे फाइव मार्क किया वन टू थ्री यहाँ पे थ्री मार्क किया यहाँ पे जो नुक्ता लगाया वो मैंने नुक्ता फाइव कॉमा थ्री ये मैंने ग्रीन कलर का नुक्ता लगा दिया सही है और अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ ग्रीन कलर में ही एंड दिस थिंग गोज लाइक दिस तो ये वाला जो है ये मुझे यहाँ फाइव नहीं लिखना है मुझे यहाँ लिखना है बी और अब देखिए क्या हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है सो ए मूव्स टू बी ये आपका वाई एक्सेस है ये आपका एक्स एक्सेस है सो बेसिकली ए 90 डिग्री रोटेशन से बी में पहुंच गया एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द वेक्टर ए ओ ए से ओ जाने का रास्ता क्या है तो आप कहेंगे ए से ओ जाने का रास्ता ये है लेट मी चेंज द कलर और यहाँ मैं रेड कलर लेकर आ जाता हूँ और मैंने कहा कि यहाँ से आप नीचे जाएंगे दैट इज फाइव यूनिट्स डाउन एंड थ्री यूनिट्स टू द राइट तो थ्री राइट right जो है वो पॉजिटिव थ्री है फाइव यूनिट्स डाउन नेगेटिव है तो ये जो मूवमेंट है इसको इस तरीके से क्यों मार्क किया है इसलिए कि प्लस का मतलब होता है राइट right. और नेगेटिव का मतलब होता है डाउन वाई कोऑर्डिनेट में सही है तो ये आपने इसको मार्क कर दिया अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि अब हम जाते हैं ओ से ले कर बी तक तो आप कहेंगे एक दो तीन चार पाँच इस तरफ चले गए और एक दो तीन आप ऊपर चले गए तो ये हो गया फाइव राइट right और ये हो गया थ्री अप कहानी समझ में आ रही है यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए ओ से लेकर बी तो आपने कहा कि थ्री और माइनस फाइव ये जो मूवमेंट है ये अपनी जगह पलट देती है तो ये वाला ऊपर आ गया फाइव ये वाला नीचे आ गया थ्री फाइव भी पॉजिटिव है और ये जो थ्री की मूवमेंट है ये भी पॉजिटिव है तो अब क्या कहानी हो गई अब ये कहानी हो गई कि आपके पास जो है वो प्लस है इसका मतलब है आप राइट right गए और यहाँ पे भी प्लस है इसका मतलब है आप अप गए यहाँ तक कहानी नहीं समझ में आ गई अच्छा अगर मैं कहूँ कि आगे की तरफ एक पॉइंट है लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन और मैंने ये लाइन इतनी ही आगे एक्सटेंड कर दी अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक दिस ठीक है इट्स जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट डाइग्राम सो दे फो एक दो तीन चार पाँच थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेट मी ड्रॉ इट मोर एग्जैक्ट फाइव एन थ्री सो दे फो ये वाला हो गया समथिंग लाइक दिस आई थिंक ये सही है एक दो तीन चार पाँच और जरा सा मिस आउट हो गया तो यहाँ पे अब मैं यूँ एग्जैक्ट बना देता हूँ और ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने मार्क कर दिया सी तो अब अगर ओ बी ये रास्ता है तो ओ से सी रास्ता डबल होगा वो हो जाएगा प्लस टेन एंड प्लस सिक्स ठीक है क्यों क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि आप बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड सी ये भी कह सकता हूँ ये भी कह सकता हूं कि ओ सी का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज टू टाइम्स ओ बी का मैग्नीट्यूड यहां तक सही है अच्छा नाउ कीपिंग एवरी थिंग इन माइंड ये जो रोटेशन का पूरा मैंने आपको ओ लेवल मैथ्स का क्रैश कोर्स करा दिया अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्रैश कोर्स है इसका इस क्वेश्चन से क्या ताल्लुक है पहली चीज तो ये समझ लें जो मेथड मैं बता रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द मेथड्स इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं आई पर्सनली प्रिफर दिस मैथड इसलिए मैं ये वाला मैथड बताता हूँ और ये लोगों को नस्बतन आसान लगता है ना लेट मी मार्क द पॉइंट यू एस वन प्लस टू रूट थ्री आई तो समझे यहाँ कहीं वन है और यहाँ पे टू मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट सेवन दाँत से अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट फोर तो ये वाला मैंने मार्क किया लेट मी मार्क इट इन पर्पल तो ये वाला मैंने वन मार्क किया और ये वाला मैंने मार्क किया है टू रूट थ्री आई ये है आपका इमेजनरी एक्सेस ये भी मैं मार्क कर देता हूँ आगे डायग्राम है तो वाई नहीं मार्क करते इमेजनरी मार्क करते हैं एक्स नहीं मार्क करते हैं रियल एक्सेस मार्क करते हैं ये आपका एक पॉइंट हो गया समथिंग लाइक दिस तो ये आपका पॉइंट मैंने मार्क कर दिया और इस पॉइंट का नाम है ए ठीक है पर्पल वाला जो है वो ए है सो लेट मी चेंज ऑल द कलर्स जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं हटा देता हूँ और ये वाला जो है ये मैंने यहाँ पर्पल से मार्क कर दिया तो ए जो है वो ये हो गया दूसरा पॉइंट मैं रेडिश मार्क कर रहा हूँ दैट इज़ पॉइंट बी विच इज़ थ्री एंड टू सो जो रेडिश है वो है टू वो है थ्री एंड दिस इज थ्री प्लस टू आई विच इज समथिंग लाइक दिस तो ये हो गया टू ये आई हो गया ये थ्री हो गया और ये यहाँ कहीं यूं करके बन गया तो ये वाला ऑरेंज रेडिश जो भी है वो नज़र आ रहा है ये वाला आपका बी है ये वाला ए है ये ज़रा मैं स्केल डायग्राम बना रहा हूँ ठीक है लेकिन स्केल डायग्राम से कैलकुलेशन नहीं होगी इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इनको ज्वाइन किया एक लाइन से विच इज लाइक दिस ग्रीन लाइन समथिंग लाइक दिस अब क्वेश्चन पढ़े क्या चाहिए इसने कहा जो आपका पॉइंट सी वो ऐसा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एस टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये तो अपनी जगह पे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंगल ए बी सी जो है वो नाइन्टी डिग्री है इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये लाइन यू ऊपर की तरफ खींचता हूं और टाइम समथिंग लाइक दिस, ठीक है अब इसके स्केल पे जितना मैं एग्जैक्ट कर सकता हूं मी मेक इट मोर प्रिसाइज समथिंग लाइक दिस तो यहां पर जो है वो जो लाइन बनेगी आई थिंक दिस इज बेटर तो यहां कहीं आपके पास जो है वो पॉइंट है सी और मैंने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया जिसको मैं एम मार्क कर रहा हूं इसका मिड पॉइंट अब सबसे पहले मैं एम को तो चले हटा देता हूँ मैं बी से ए का रास्ता निकालता हूं तो बी से ए का रास्ता वही है विच इज ओ ए माइनस ओ बी ओ लेवल मैथ्स का वेक्टर आ गया टू डायमेंशनल वेक्टर है सबसे पहले तो ए क्या है ए को आप लिखेंगे वन प्लस टू रूट थ्री तो इसको जरा सा जगह बना देते हैं इसको ज़रा नीचे लेके जाते सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि ओ ए जो है वो है वन एंड टू रूट थ्री सो दिस इज वन है और ये है टू रूट थ्री एग्जैक्ट फॉर्म में तभी उसने एग्जैक्ट का आखिर में आंसर लिखा था कि आंसर मुझे एग्जैक्ट में चाहिए और B जो है वो थ्री और टू है उसको मैंने कॉर्डिनेट जोमेट्री की कहानी बना दी अब अगर मैं बी ए की बात करूँगा दैट इज ओ ए माइनस ओ बी विच इज थ्री

और ये वाली जो चीज़ है ये ओवरऑल नेगेटिव है ठीक है दिस इज़ ओवरऑल नेगेटिव इसीलिए आप डाउन मूव कर रहे हैं गॉड द आइडिया तो बी ए की ये कहानी चल रही है। इसका मतलब ये है कि आप गए आप बी जो था मेरे ख्याल से मैंने आगे पीछे मार्क कर दिया है सो दिस इज़ टू एंड दिस इज टू माइनस टू रूट थ्री मैंने सब्ट्रैक्शन तो सही की है मगर ये वाला जो पहला पॉइंट था वो ए था तो लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ए है और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला बी है लेट मी डबल चेक तो ये ए हो गया ये बी हो गया यहाँ से ए के बी का रास्ता जो था एस ओ बी माइनस ओ ए मैंने लिखा गलत लेकिन वर्किंग सही की सो ए बी एस ओ बी माइनस ओ ए ठीक है सो नाउ इट्स ऑल करेक्टेड अच्छा ये करने के बाद अब क्या चाहिए अगर मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क करता हूं लेट मी कॉल दिसम सच मिड पॉइंट तो अब बी से M का रास्ता क्या होगा बी से एम का रास्ता वैसे ही होगा जैसे मैंने यहां उलट पुलट किया था कि ये वाला जो था वो राइट और डाउन था और उसका उलट हो जाएगा राइट एंड अप जगहें बदल जाएंगी और राइट और अप कर लें सो दे फो बी एम जब मैं बी एम लिखूँगा तो ये अब मैं लिखूँगा टू रूट थ्री माइनस टू क्योंकि इसके साइन चेंज हो गए क्योंकि अब आप कैसे जाएंगे फिर से इनलाज करें अब आप जाएंगे राइट एंड अप तो जगह बदल गई ये वाली जो जगह थी इतनी जगह ये इतनी जगह पर आ गया और ये वाली जो जगह थी ये अब यूँ चला गया तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स तो फ्लिप होंगे ठीक है तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री माइनस टू नाउ दिस इज़ पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है पॉजिटिव का मतलब है यू आर मूविंग टू द राइट विच मेक्स परफेक्ट सेंस और इसी तरीके से जो आपका टू है वो नीचे आ गया टू भी अपनी जगह पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब है अप और यहाँ पे आप ब्रैकेट बना दें इस तरीके ये अभी आप मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं ये हो गया बी एम अच्छा अगर मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैं बी एम को ओपन अप कर सकता हूँ लेकिन मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो अब आप लिखेंगे बी सी जो है दैट इज टू टाइम्स बी एम दैत इज टू मल्टीप्लाइड विद टू रूट थ्री माइनस टू एंड टू ये हो जाएगा फोर रूट थ्री माइनस फोर एंड फोर ये आपने बी बी सी लिख दिया लेकिन जगह आगे और है बट वॉट इज़ बी सी बट बी सी एस ओ सी माइनस ओ बी इन अदर वर्ड्स ओ सी एस ओ बी प्लस बी सी ये लिख दिया तो ओ सी को ओ सी रहने दे दस वॉट यू आर लुकिंग फॉर वाट एज ओ बी ओ बी एज थ्री टू एंड सिमिलरली वाट इज बी सी बी सी अभी आपके पास मौजूद है दात इज फोर रूट थ्री माइनस फोर एंड दिस एज फोर एट द बॉटम जब आप ऐड करेंगे तो ये प्लस थ्री है ये नेगेटिव फोर है यहाँ पे आ गया नेगेटिव वन और ये वाला हो गया फोर रूट थ्री अपनी जगह पे और यहाँ पे टू है यहाँ पे फोर है ये हो गया सीधा सीधा सिक्स सो दे फो आपका ओ सी क्या हो गया ओ सी ये हो गया अगर वो सी के कोऑर्डिनेट्स पूछता दातस फोर रूट थ्री माइनस वन कॉमा सिक्स अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा फोर रूट थ्री माइनस वन ब्रैकेट में लिखिएगा दिस इज द रियल पार्ट प्लस सिक्स आई और उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको इस तरीके से डिनोट कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी इज डिनोटेड बाय द सिंबल डब्ल्यू सो देयरफॉर डब्ल्यू इज स्टेप ठीक है अब इसका आंसर डबल चेक करते हैं जो भी इसने अपना तरीक़ेकार बताया मुझे नहीं पता मैं यहाँ आंसर पे फोकस कर रहा हूँ फोर रूट थ्री माइनस वन ये एक हिस्सा हो गया प्लस सिक्स आई दूसरा हिस्सा हो गया दैट इज एग्जैक्टली वट वी गेट आउट ऑफ दिस तो अगर वो डिस्टेंस बराबर होता तो मैं यहाँ पे ओपन अप करता फॉर एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा और चीज़ बता दूँ कि इफ़ द एग्जामिनर वुड हैव आज फॉर एम सो इफ ओ एम वॉज आज तो आप क्या लिखेंगे बी एम इज

और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बी इज डिनोटेड बाय जी इज टू रूट थ्री प्लस वन प्लस आई दात बी सो ये एक मशहूर क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था सो दस वाई इट वॉज वर्थ एक्सप्लेनिंग इट सो साइनिंग ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेट ट्यून फॉर मोर